कर्नाटक में जैन आचार्य मुनि काम कुमार नंदी जी महाराज की निशंस हत्या के विरोध में गुरुवार को सकल जैन समाज ने मुख्यालय पर मौन रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाया। पोस्ट ऑफिस चौराहे से निकली रैली में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। सकल जैन समाज ने SDM कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मुनि जी की निशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा और घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। समाजजनों ने बताया कि कर्नाटक में पिछले दिनों जैन मुनि आचार्य श्री की नृशंस हत्या की गई है। हमने मौन रैली निकालकर इस घटना का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के पीछे कौन है, इस बात का खुलासा हो पाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। माननीय SDM महोदय को ज्ञापन दिया है 5 जुलाई 2023 को कर्नाटक में दिगंबर जैन संत आचार्य कामराज मुनि जी महाराज साहब 108 के जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें बोरवेल में डाला गया, इस प्रकार की जघन्य हत्या न केवल प्रदेश और देश के लिए दुखद घटना है, लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में यह घटना हुई है, समस्त जैन समाज को झकझोर दिया है और जैन समाज ने सकल जैन समाज और हिंदू सकल समाज के बैनर तले आज खरगोन में ये हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमने राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें तुरंत कठोर से कठोर दंड दिया जाए और हमारे जो संत लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जैन आयोग का गठन किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और शीघ्र न्याय के लिए इसको त्वरित फास्ट ट्रैक में या न्यायालय गठित होकर इस पर कार्रवाई हो, इसकी मांग करते हैं। ललित जैन श्री संघ अध्यक्ष वर्धमान जैन स्वतंत्र स्थान जैन समाज के साधु के साथ जो हुआ है उसको लेके ये ज्ञापन दिया गया है। हमारे जैन साधु के लिए शासन द्वारा कड़ी से कड़ी व्यवस्था की जाए। जितने भी जैन साधु हैं, संत हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल अहिंसक हैं, परिग्रह से रहित हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार समाज के लिए असहनीय है। जैन समाज के लिए कलंक है, जो कि सरकारों के इतने स्वर्णिम युग में ये घटना हो रही है। तो इस घटना के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मौन रैली का प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि इस केस के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई और विद्रोहियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जूनी जैन अंशु जैन। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।